हेलो मेरे देव लोग के हिप हॉप लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव 2.0 गाइस। तो यार तुम्हारा भाई एक बार फिर से हाजिर है एक रिएक्शन वीडियो लेकर के। और अभी मैं जिस गाने का रिएक्शन करने वाला हूँ उसका नाम है बहुत सही, और ये गाना है के आर डॉलर साइन मालूम है ना कृष्णा और जे ट्रिक्स और सब स्पेस का ये कोलैब सॉन्ग है। आई थिंक ये जे ट्रिक्स की शायद एल्बम कुछ चल रही है, आई डोंट नो भाई, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, और क्योंकि मैं उनको उतना फॉलो नहीं करता, सच कहूं तो सच बात यही है। बट जो भी है गाना आया हुआ है, पर मेरे को हैरानी इस बात की यार, कल एक्चुअली इंस्टाग्राम पे उन्होंने क्यू एन ए रखा था उसने कृष्णा ने, कि और वहां पे किसी ने पूछा था उनसे कि क्या लास्ट सॉन्ग ऑफ ईयर 2020, तो उन्होंने रिप्लाई करता HMM। अब मैं तो सोच रहा था भाई हाँ ये वाला है कि खत्म, बट ये यार ये साल खत्म होने से पहले एक गाना और आ चुका है। सुनते हैं गाने को, देखते हैं मैं कितनी बार पकड़ पाता हूँ, क्योंकि द इन्फिनिटी लेवल की राइम स्कीम और इतना सब वर्ड प्ले वगैरह भाई एक बार में पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार कैच कर सकूँ और रिएक्शन प्लस ब्रेक डाउन भी, यानी कि रिएक्शनल ब्रेक डाउन बना सकूँ। देखते हैं गाने में क्या कुछ होने वाला है, शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले वही यूट्यूबर वाली एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, डेवलपमेंट्री पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अगर रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ यार क्या चीज़ बेस्ट लगी, मुझे किस गाने पे नेक्स्ट रिएक्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं लाऊंगा रिएक्शन वीडियो उस गाने पर भी जिस पर आप कमेंट करोगे। और क्या, शुरू करते हैं। कलमकार प्रेजेंट्स जे ट्रिक्स सबस्पेस, क्या आसान, बहुत सही। डायरेक्टर ग्रिम। रातों को जाग के मैं ना जो करता वो जिंदगी मेरी मजाक नहीं, रुकते ना आंधी के आने से, सर फिरे लड़के जो आदत से बाज नहीं, दिक्कतें काफी है देखी है, धूप तो झेले है मैंने बरसात कई, बातों से माने ना लोग तो छोड़े हैं घुसे और मारे हैं लात कई, ये वो खानदानी स्टाइल, बाप जैसा बेटा मैं रुकता नहीं भाई, खाता जहाँ पे मैं थूकता नहीं भाई, हक्का हूँ खाता मैं लूटता नहीं भाई, साथ दिया जिसने भी भूलता नहीं भाई, औरों के बीच ज्यादा खुलता नहीं भाई, कच्चा मैं अपने उसूल का नहीं भाई, हूँ मैं गिरता डेली क्योंकि रोज कर उठ रही है, मैं गिरता डेली क्योंकि रोज करूँ ट्राई, जो ट्राई करेंगे वो गिरेंगे और गिरेंगे वही लोग ऊपर जाएंगे, मेरा मतलब है कि ऊंचाइयों पर ना कि ऊपर। अजीब सी तलब है, बरकत ना मिलती तो होती है तड़प है, बहुत सारे कहते थे रास्ता ये गलत है, सुनी बस खुद की, अब छू लेना फलक है, जीता तो स्वर्ग और हारा तो नरक है, तेरी जला के लगाते ये बर्फ है, रास्ते में आते थे लोग भी तो काफी, पर माफ किया तुझको तो माँ की झलक है, रोज करूँ काम रोज बड़े दाम, रोज बड़ा नाम, रात सुबह शाम सोचना है आम, कोई ना लगाम, कैची जुबान सबको सलाम, जो भी। ये राइम स्कीम देख रहे हो ऐसे zigzag, भाई क्या तगड़ी राइम स्कीम है, फिर से सुनते हैं, रोज करूँ काम ऐसे कुछ लाइक, ये बर्फ है रास्ते में आते थे लोग भी तो काफी, पर माफ किया तुझको तो माँ की ये झलक है, रोज करूँ काम रोज बड़े दाम, रोज बड़ा नाम, रात सुबह शाम सोचना है आम, कोई ना लगाम, कैची जुबान सबको सलाम, जो भी है साथ, और ये भाई लोग भी सारे हैं काम में माहिर, बनाते महफिल जहाँ होते शामिल, लिखावट ऐसी ना है सबको हासिल, भरे पन्ने ऐसे हुए सब मुतासिर, अब करते जो मर्जी कमाते हैं पैसे तो लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही, रुकने का हमें कोई शौक नहीं, लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही लिया मैंने कोई लॉस नहीं, अब लिखूं जो वर्स भी हिलती है धरती, रैपर जो फर्जी है खौफ में मेरे शहर, अब लिखूं जो, मतलब जब लिखता हूं तो धरती हिलती है और जो फर्जी रैपर है खौफ है, लौंडे है सॉफ्ट नहीं, बहुत सही लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही लिया मैंने कोई लॉस नहीं, अब लिखूं जो वर्स भी हिलती है धरती, रैपर जो फर्जी है खौफ में मेरे शहर में, लौंडे है सॉफ्ट नहीं, स्विंग इन द आयरन यू गोल्फ नहीं, कृष्णा जब आया तो बीफ का सफाया, गौरक्षकों के पास जॉब नहीं, कृष्णा जब आया तो बीफ का सफाया, गौरक्षकों के पास कोई जॉब नहीं। भाई साहब मतलब कि जब कृष्णा आया तो बीफ खत्म, ठीक है बीफ वाला सीन खत्म है, मतलब कि हम ही हैं बस, और गौरक्षकों के पास कोई काम नहीं, क्यों, क्योंकि जब बीफ होगी नहीं, अब यहाँ पर देखो डबल एंटेंडर है, बीफ का मतलब वो रैप वाली लड़ाई भी और बीफ का मतलब जो वो मीट से होता है ना वो, तो गौरक्षक क्या काम करेंगे जब बीफ का काम ही खत्म हो चुका है, तो दे आर सेफ, तो वहाँ पे उनका कोई काम नहीं है गौरक्षकों का, तो मैंने गिर किया जब दिल की, अभी
अरे चल जा। फर्जी है खौफ नहीं, मेरे शहर में लौंडे है सॉफ्ट नहीं, स्विंग इन द आयरन यू गोल्फ नहीं। कृष्णा जब आया तो बीफ का सफाया, गौ रक्षकों के पास जॉब नहीं। किल किया तब मैंने किल किया, आज जब दिल किया भैया मैंने किल किया, साफ मेरे मिल किया बात हासिल किया था। यू डोंट रियली वांट स्मोक, खोल दो खिड़कियां आज। शैतान देखो पीप पे सवार, असली में हार्ड टू स्ट्रीट में सवार। वीक है ना बार ये जीते ना चाल, गांधी के विचार पर बीप पे जवार। बाकी जब जान तो वाकई में शान, असली जब काम तो सुनती आवाम। तरक्की पे ध्यान तो सबको सलाम, पर वार के तूफान में ये कलम भी अब्दुल कलाम। आई कॉल इट कलाम, वार के तूफान में कलम भी अब्दुल कलाम। मटीहा इनका फैन बेस बनावटी हा, इनका तो स्टाइल है कॉमेडी हा हा, क्वांटिटी है पर क्वालिटी कहां। मैं भाई इनका तो स्टाइल है कॉमेडी है, बाली को डिस कर दिया भाई। यस किडिंग, बाली को कोई डिस नहीं है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि उनका रैप स्टाइल भी कॉमेडी है, तो मेरे को बस मैं ऐसे बोल दिया, ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ ऑलरेडी था उमर जब 16 थी, दोरे मीफा कलकत्ता शहर में जेट्रिक से दोस्त, बाकी तो मेरा वहां कोई ना मित्रा। रेज इन द पब प्लेस, देखो यहाँ पर दोस्त मित्रा, ठीक है, राइम करने के लिए मित्र होता है, बट राइम करने के लिए उन्होंने मित्रा, जैसे वो एमिनम की एक थ्योरी है ना कि ऑरेंज किसी से राइम नहीं करता, और एंज मैं तोड़ के शब्दों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं उसे भी राइम कर सकता हूँ, सेम वो चीज़ यहाँ पर करी उन्होंने, मित्र होता है, मित्रा बोल दिया, ठीक है। बात हसल थी रेल मेरी, मैं तो कभी लेजी ना था, मैं तो बात का गुलाम पर कैदी ना था, खुले आम ले लूं जान दे तो मेरी सजा। अब करते जो मर्जी, कमाते हैं पैसे तो लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही, रुकने का हमें कोई शौक नहीं, शौक नहीं लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही लगती है जिंदगी बहुत सही। करते जो मर्जी, कमाते हैं पैसे तो लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, रुकने का हमें कोई शौक नहीं, शौक नहीं लगती है जिंदगी बहुत सही, बहुत सही। ओफो भाई, फिर कॉपीराइट क्लेम आएगा, बिलीव आर्टिस्ट सर्विसेज फिर से आएगा कॉपीराइट क्लेम, कोई बात नहीं हम झेल लेंगे, लेकिन भाई साहब ये अरे भाई बंद हो जा भाई साहब, कृष्णा के बार्स मेरे सर के ऊपर से गए, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, खासकर बिना सबटाइटल के अगर आप वर्ड प्ले मारोगे तो हल्ले तो नहीं पड़ने वाला मेरे इतनी जल्दी, मेरे को सुनना पड़ेगा एक दो बार। मैं चाहता था वहाँ पे बैक करके सुनता, पर मेरे को पता है वो दो तीन बार से पहले समझ नहीं आएगा और मैं चार बार बैक करके सुनने नहीं वाला, सॉरी भाई, बार्स मिस हुए, जितने आए समझ में वो मैंने बता दिए, जो नहीं आए वो उसके लिए सॉरी, और यही मेरा रिएक्शन था। बट क्या मैं कुछ बात करना चाह रहा था, बीट सब स्पेस ने बहुत सही बनाई थी, क्योंकि ये कृष्णा टाइप बीट थी, ठीक है, जैसे बीट का वो किल करते हैं और जो बीच में फ्लो आया ना कृष्णा का, तो वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा था भाई, मतलब कि AK-47 जानते हो ना, वैसा कुछ ऑटो पर चला दो पर रिकॉइल कंट्रोल करके, खैर जो भी है, तो ये इनका फ्लो बहुत तगड़ा था, यही बताना था। और हाँ, ये जेट्रिक्स की EP है यार, मेरे को नहीं पता था उनकी डेब्यू EP बहुत सही आई हुई है और उसी का ये गाना था, मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी, अभी बाद में मालूम चली थी, तो बस ये मेरा रिएक्शन था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे बनाऊँ, और मैं ट्राई करूँगा भाई अगली बार से बार्स कैच करूँ सारे, ठीक है, मिस हो गए कोई बात नहीं, सॉरी, और बस मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।